ये हैं हमारे अग्नि स्मोक सेरेमिक स्टोव्स, फ्लेमलेस, ना कोई धुआं, नॉइजलेस, ना कोई आवाज, और सेविंग अप टू 30-50% ऑफ फ्यूल टू बेस्टेस्ट, है ना, ट्रूली मैजिकल। तो अग्नि स्मोक बर्नर्स का आइडिया आया हरी राव जी को, पेशे से IRS ऑफिसर और दिल से कुकिंग का शौक रखने वाले। एक आदमी का भी जिंदगी अगर आप बदल दे रहे हैं अपने आविष्कार से, that is the biggest achievement आपके जिंदगी में है। There are three benefits in Agni Smoke Burners which I have noticed. Number one, you will get a very good quality of firewood cooking, which is very traditional for the cooking method. Food that is cooked in this burner has got more shelf life and it tastes better. Number two, there is no carbon soot, which is very very important for upkeeping of the kitchen and as well as the health of the staff. And number three, you will get an amazing saving, you know. I haven't seen a saving of 30% in any of my product till this date. ये जर्नी कमाल की है आपकी, सिविल सर्वेंट से एक एंटरप्रेन्योर, मतलब कैसे? जर्नी ऑफ यूजुअली एवरी एंटरप्रेन्योर इज बाय चांस नॉट बाय चॉइस। सर मुझे, मेरा पैशन कुकिंग रहा है बचपन से, तो मेरे अंदर एक ऐसा टैलेंट है जो मैं खाना को टेस्ट करके रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ, और कुकिंग को बनाने का मेजर माध्यम है आग। अगर क्वालिटी ऑफ आग अगर ठीक नहीं है तो चाहे आप कितना भी कुकिंग कीजिए, आपको वो फूड टेस्टी नहीं बनेगा। हरी सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो नॉर्मल स्टोव्स हम घर पर यूज करते हैं, उन स्टोव्स और अग्नि स्मोक के स्टोव्स में क्या डिफरेंस है? हमारे इसमें क्या होता है, गैस जब पास होता है तो वो एक सेरामिक मीडियम से पास होता है, जिसमें आपको फ्लेम रेडिएंट हीट बन जाता है एक लेयर में, वेयरएज आपका जो नॉर्मल स्टोव है वो आपको पूरा फ्लेम जैसा दिखेगा। जो आपको सन से जो किरण आती है, वैसी किरण का एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो बर्नर के ऊपर, और उससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी सारे। नेक्स्ट है हमारे स्टोव में आपको 30-50% की गैस सेविंग होती है, और तीसरा है कि हमारा सेफ्टी ज़्यादा है क्योंकि हमारा गैस प्रेशर बहुत कम है, और क्योंकि इसमें कालिक नहीं होता है तो आपको पानी की बचत और साबुन की बचत होती है। फिर आपको गैस एमिशन बहुत कम रहता है, जो एम्बिएंट टेम्परेचर है जो वातावरण है उसमें भी बहुत कम कालिक होगा, और जो कालिक ना मशीन में जाएगा ना आपके शरीर में जाएगा, और थर्मली एफिशिएंट सबसे ज़्यादा है, उसका मतलब होता है कि आपको 50% तक गैस की सेविंग मिल जाती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने में रिसर्च कितनी है? रिसर्च इज़ द बैकबोन एंड द स्पिरिट ऑफ दी इनोवेशन। जब आइडियाज क्रिएट करते हैं तो क्या फेलियर भी आते हैं बीच में? फेल तो बहुत बार होते हैं सर, क्योंकि जर्नी ऑफ इनोवेशन में फेलियर से ही बनता है आगे का रास्ता। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एपिक।